नमस्ते नेचर्स की यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बहुत सी ऐसे बातें होती हैं जो बुजुर्गों द्वारा हमें बताई जाती हैं, लेकिन जो पहली बार माता पिता बन रहे होते हैं उनके मन में एक सवाल सा उठता है कि ये जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है या जो कुछ हमें करने के लिए कहा जा रहा है या जिन बातों के लिए हमें मना किया जा रहा है वह क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है। ये एक सवाल जो नए माता पिता बनते हैं उनके मन में अक्सर उठता है। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, कुछ ऐसी जानकारियाँ जिन्हें आप अंधविश्वास भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं कि कितनी सच्चाई होती है इन बातों में और क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे का लाल बटन दबा करके आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि इस तरह की जो भी जानकारियां मैं लेकर के आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एक दिन मेरी एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मेरी बच्ची के आँख में से बहुत पानी गिर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि हो सकता है उसे टीयर डक्ट का प्रॉब्लम है, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने जो कुछ सावधानियाँ बताई है कुछ एक्सरसाइज बताया है वो करिए, लेकिन उसके पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए क्योंकि उसका टीयर डक्ट किस लेवल तक है या आँखों में कुछ इन्फेक्शन भी है ये आपको आके डॉक्टर ही बता सकेंगे। लेकिन मेरी सब्सक्राइबर ने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे कह रहे थे कि मुझे बच्चे की आँख में स्तन का दूध डालना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं किया, तो मैम कहीं इसकी वजह से तो ऐसा नहीं हुआ है। मैंने ये शब्द पहली बार सुना था, मुझे काफ़ी शौक लगा कि आँख में दूध डाला जाता है। मैंने उनसे पूछा क्या आँख में भी दूध डाला जाता है, उन्होंने कहा हाँ हमारे यहाँ डाला जाता है और उन्होंने ये भी कहा कि कान में भी डाला जाता है। लेकिन मैं मेरे घर में सबसे छोटी हूँ, 5 भाई बहनों में सब मुझसे बड़े हैं और सबके बच्चे मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो आपसे ये विनती है कि आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से कान में जो वैक्स होता है वो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से स्वयं निकल जाता है, उसमें आपको छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कान में दर्द महसूस होता है या कान कड़क महसूस होता है तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि बारिश के समय में अक्सर कान और आँख की बीमारी आती है, जिस समय आपको सर्दी जुकाम होता है उस समय आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि कान नाक और आँख और गले की जो तकलीफ होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसकी वजह से अगर एक जगह तकलीफ है तो आपको दूसरी जगह भी उसकी वजह से तकलीफ हो सकती है। इसलिए ऐसा कभी न करें कि आप इन जगहों पर स्तन का दूध डालिए। आँख के लिए आई ड्रॉप होता है, लेकिन जब आपको आँख में इन्फेक्शन होता है यानी यहाँ से सफ़ेद द्रव निकलता है या पीला द्रव निकलता है या आँख से लगातार पानी गिरता है, अगर आँख में कोई संक्रमण हो गया होगा तो ही ऐसा होता है। तो इसके लिए एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए, उसके बाद ही कोई आई ड्रॉप डालिए। खासतौर से बच्चों की आँख में यानी नवजात शिशु जो होते हैं उनकी आँख में आप अपने मन से कभी कुछ मत डालिए। उनकी आँख को साफ करने के लिए हल्के मुलायम कॉटन के कपड़े को भिगो करके अच्छी तरह से निचोड़ करके आप हल्के हाथों से इस तरह से पोंछ दीजिए। चाहिए तो आप रुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, रुई को भी हल्के गर्म पानी में भिगो करके आप उसको अच्छी तरह से निचोड़ कर आँखों को साफ कर सकते हैं। इसके अलावा आँखों में आपको कुछ भी नहीं डालना है, कान में भी कुछ भी नहीं डालना होता है। अब बुजुर्गों द्वारा बताई गई दूसरी चीज़ कि जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु होते हैं लड़का हो या लड़की हो उनके स्तन को दबा करके वहाँ से पानी या दूध जैसा कोई चीज़ निकाला जाता है, ये बहुत गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग भी ऐसा मत करिए। अगर आप स्तन के पास दबाएंगे तो इससे हो सकता है कि बच्चे को वहाँ अंदर जख्म हो जाए क्योंकि बच्चे की स्किन भी नाजुक होती है, उनकी नसें भी बहुत पतली और नाजुक होती हैं, उनके अंदर की जो हड्डियाँ मांसपेशियाँ होती हैं वो भी बहुत नाजुक और पतली होती हैं। अगर आप दबाव डालेंगे तो हो सकता है नीचे उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाए, इससे वहाँ पर उनको गठान हो जाए और ये आपके लिए आगे चल करके घातक साबित हो। इसलिए ऐसा कुछ भी मत करिए, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चा जैसे नॉर्मल है आप नॉर्मल मालिश करिए, उसे नहलाइए, उसे दूध पिलाइए, इससे अधिक उनके शरीर के साथ छेड़खानी मत करिए। बुजुर्गों द्वारा बताई गई एक बात ये भी है कि नवजात शिशु के लिए पहले से कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि
जब बच्चा जन्म लेता है उस समय अगर आप तुरंत कपड़ा खरीद करके लाके उसे पहनाएंगे तो उन कपड़ों में धूल वगैरह जमी हो सकती है जिससे कि बच्चे को संक्रमण हो सकता है। इसलिए नया कपड़ा तुरंत लाकर आप नहीं पहना सकते। जो पहले से खरीदारी करके अगर आप साफ करके रखते हैं तो ये भी गलत होता है। पहले से आप खरीदारी करके बच्चे के लिए कुछ भी इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सारी तैयारी तो किए रहते हैं और उस समय कुछ गड़बड़ी हो जाती है। भगवान किसी के साथ ऐसा न करें लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और पेरेंट्स बाद में बहुत पछताते हैं उन सामानों को खरीदने के बाद में कि काश हमने ये सामान न खरीदा होता। पैसे जाते इसकी चिंता नहीं होती है लेकिन बच्चे के साथ अगर कोई दुर्घटना घटती है या महिला के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं कि खुशियाँ जो होती हैं वो समय से पहले नहीं मनानी चाहिए और इस बात को मैं सत्य मानती हूँ। आप उस समय तक का इंतजार करिए जब कि आपकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी हो जाने के बाद में आप कपड़े खरीद सकती हैं। उस समय जो बुजुर्गों द्वारा कहा गया है कि जो पुराने कपड़े होते हैं पहले के बच्चों के कपड़े होते हैं उन्हें धो करके रखा जाता है तो वो कपड़े साफ होते हैं और धोने के बाद वो मुलायम हो चुके होते हैं, एकदम से कड़क नहीं होते हैं, उनमें धूल वगैरह नहीं जमी होती है। तो इसलिए उन कपड़ों का इस्तेमाल करना उचित होता है। बुजुर्गों द्वारा बताया गया ये बात जो है वो उचित है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। बुजुर्गों द्वारा एक मत ये भी दिया जाता है कि बच्चे जब सोए रहते हैं तो उनका फोटो नहीं खींचना चाहिए। ये बुजुर्ग कहा करते हैं क्योंकि उनके समय में सिर्फ कैमरा होता था, कैमरे से फोटो खींचा जाता था। बच्चा जब सोया रहता था उस समय अगर उसका फोटो लिया जाता तो जो कैमरे में से फ्लैश उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसमें से जो तेज रोशनी आती है उससे बच्चा कभी कभी डर जाता है, चिहुक जाता है और उसके बाद बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और कभी कभी वो चीज़ उसे सोए में फिर से याद आती है और बच्चा फिर से रोने लगता है। लेकिन अब के समय में ऐसी तकलीफ नहीं होने वाली है क्योंकि हर किसी के पास डिजिटल फोन है जो कि बगैर फ्लैश के फोटो खींचता है। तो आप खींच सकती हैं लेकिन बगैर फ्लैश के, ताकि बच्चे के चेहरे पर उसकी तेज रोशनी ना पड़े। वो किसी न किसी तरह से उस समय फॉलो करना जरूरी था पर अब ऐसा नहीं रह गया है। अब बात आती है बच्चों को काजल लगाने की। हमारी दादी नानी कहा करती थी कि आँख में काजल लगाने से आँखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए मेरी आँखें छोटी हैं क्योंकि मैं काजल नहीं लगाती हूँ। मुझे काजल लगाने से डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आँखों में मेरी उंगली चुभ जाएगी, इसलिए मैं काजल नहीं लगाती हूँ। पर मेरे बच्चे की आँखें बड़ी बड़ी हैं, मैंने उसे भी काजल नहीं लगाया था क्योंकि मुझे डर लगता है। और एक वजह इसकी ये होती है कि जो पहले के लोग काजल इस्तेमाल किया करते थे वो काजल शुद्ध होता था। पहले के लोग घर पर ही उसे बनाते थे, बाहर बाजार से काजल कभी नहीं लिया जाता था, इसलिए उस समय वह सही था। पर आज के समय में ये सही नहीं है क्योंकि अब कोई भी घर पर काजल नहीं बनाता है और जो बाहर से काजल हम लेते हैं उसमें केमिकल होता है। मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं भी औरों के जैसा आईलाइनर और मस्कारा लगाऊं, लेकिन एक दिन मैंने वीडियो बनाते समय ही ऐसे ही शौकवश लगा लिया था और मुझे यहाँ पर सूजन आ गई थी, काफ़ी सूजन आ गई थी और 4-5 दिनों तक मुझे आंखों में दर्द रहा। तो मैंने उसी समय एक वीडियो अपलोड किया था कि बच्चे को काजल नहीं लगाना चाहिए क्योंकि काजल बड़ों के लिए भी हानिकारक होता है, बच्चों के लिए भी हानिकारक होता है। तो आप काजल का इस्तेमाल बच्चों की आंखों पर ना करें। इसके अलावा कहते हैं कि काजल का जो टीका लगाया जाता है उससे नज़र नहीं लगती है बच्चों को, तो इसके विषय में मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बताना चाहूँगी और नज़र के विषय में भी, क्योंकि लोग कहते हैं कि नज़र लगती है या नहीं लगती है। मैं इस बात को सही नहीं मानती थी। वीडियो हो सकता है ज़्यादा बड़ा हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं एक बार गांव गई थी तब मैं इस बात को नहीं मानती थी कि नज़र लगती है और कहीं भी कुछ भी कर लेती थी। उस समय मैं थोड़े से खाने ऐसे खाने बैठ गई थी जो कि पूरी और हलवा था और उस समय मेरे सामने कोई शख्स बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है पर मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे बहुत तेज सिर में दर्द होने लगा, अचानक से मुझे बुखार चढ़ गया और इतना तेज बुखार चढ़ा कि मेरा शरीर थर 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 कांपने लगा। तो माँ ने कहा कि इसे दवाई ला करके दे दो, मुझे दवाई ला करके दिया गया। मैंने दवाई खाई लेकिन मुझे उल्टी होने लगी तो मम्मी ने कहा कि इसको नज़र लगी हुई है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, शायद मुझे यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा है, यानी गाँव में गई थी तो हो सकता है मुझे क्लाइमेट सूट न हो रहा हो। तो माँ ने मुझे डांटा और एक जानकार व्यक्ति थे उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने मुझे ज़मीन पर बिठा दिया और उसके बाद में वो कुछ मंत्रों के द्वारा कुछ बोलने लगे और मेरे ऊपर फूंकने लगे।
तो कम से कम आधा घंटा के अंदर मुझे आराम हो गया, यानी कि मेरा बुखार भी उतर गया, मेरा जो सिर दर्द था वो भी ठीक हो गया, और जो थरथराहट हो रही थी वो भी ठीक हो गई। तब से मैंने नज़र को मान लिया कि वाकई में नज़र कुछ चीज़ होती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बात को सत्य माने या असत्य माने। बच्चों को पाउडर लगाना चाहिए या नहीं, कि बच्चे अक्सर महिलाओं के पास रहते हैं, यानी कि मम्मी, दादी, नानी, चाची, बुआ, इनके पास होते हैं, और महिलाएं स्वयं घर पर रहती हैं तो भी, बाहर जाती हैं तो भी, अपने आप को फ्रेश महसूस करने के लिए अक्सर पाउडर का इस्तेमाल करती हैं। यही वजह होता है कि स्त्रियां बच्चों को भी पाउडर लगाती हैं, इससे उनके चेहरे पर उनको थोड़ा ग्लो दिखाई देता है, बच्चे उन्हें अच्छे दिखाई देते हैं। बच्चे को या आपको पाउडर से कोई फायदा नहीं होता है, उससे स्किन गोरी नहीं होती है, जैसी स्किन आपकी होती है नॉर्मल वैसी ही रहती है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि पाउडर लगाने के बाद में आप थोड़ी अच्छी दिखती हैं, बच्चा भी थोड़ा अच्छा दिखता है। तो आप अपने चेहरे पर लगाइए, अच्छी बात है, किसी भी चीज़ से लगाइए, लेकिन बच्चे के चेहरे पर अगर आप पाउडर लगा रही हैं तो उस समय आप कुछ बातों का बस ध्यान रखिए कि स्पंज से आप बच्चे के चेहरे पर पाउडर न लगाएं, क्योंकि स्पंज से आप जब ऐसे ऐसे करती हैं तो पाउडर उड़ता है, उनके नाक में, उनके मुंह में, आंख में, कान में जाने की संभावना रहती है, और इससे संक्रमण हो सकता है। इसलिए कभी भी आप जब बच्चे को पाउडर लगाएं तो अपने हाथों में इस तरह से लगा लीजिए, और हल्का हल्का इस एरिया में लगाइए, इस एरिया में लगाइए, लेकिन जो ये आँख और ये जगह होती है इन पर पाउडर न लगाएं, क्योंकि इससे फायदा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपके बच्चे के चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आ जाती है और उनके शरीर से थोड़ी खुशबू आने लगती है, जिससे कि आप अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा बच्चों के कान और नाक में तेल डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? बाबा रामदेव कहते हैं कि तेल डालना चाहिए, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि तेल डालना चाहिए, और अधिकांश लोग इस बात को फॉलो करते हैं। पहले के समय में कान की इतनी बीमारियां नहीं थी, नाक की भी इतनी बीमारियां नहीं थी, आज के समय में जितनी ज़्यादा हो गई हैं। तो आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे हम लोग कान में तेल नहीं डालते हैं, नाक में भी नहीं डालते हैं। मैंने बहुत कोशिश की बाबा रामदेव की बातों को सुनने के बाद में कि कभी डालूंगी, पर हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैं इसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगी कि कान में तेल डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को जन्म के समय शहद चटाना, देखिए ये बड़े बुजुर्ग जब किया करते थे तब किसी हद तक उनके लिए शायद जरूरी था, क्योंकि तब क्या होता था कि घर के बाकी सदस्य साथ में होते थे और ये जो बुआ होती थी वो चटाया करती थी, तो उनको अपना एक अधिकार महसूस होता था कि ये हमारे भाई को बच्चा हुआ है और उन्हें कुछ दिया जाता था। तो इस हिसाब से पहले ये एक सिर्फ रीति बनी हुई है, इससे कोई फायदा नहीं होता है बच्चे को। इसलिए जन्म के समय बच्चे को शहद चटाना गलत होता है, और आप ये कभी भी न करें। 6 महीने तक के बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ एक प्रथा चली आई है, इससे कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए शहद बच्चे को न चटाएं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो जानकारी आपको दी है उससे आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। अगर आप नए माता पिता हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।